आप एक तुच्छ वनवासी नर के चरणों में शीश झुकाकर उनसे क्षमा मांगने को कह रहे हैं? रावण को, उस रावण को जो तीनों लोगों का विजेता है, उस रावण को जिसके धरती को क्या शिव समेत कैलाश पर्वत को केन की भांति उठाने की शक्ति है, उस रावण को जो दरबार में नवग्रहों को अपने सामने खड़ा रखता है, उस रावण को एक तुच्छ नर के सामने गिर गिराने को कह रही है? तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। फिर इसे पीछे हटाने की बात भी नहीं सोचते, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों न खड़ी।